इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देखो ऐसे मैंने पैरेलल में लगा दिया। क्यों कर दिया ऐसे? क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कह रहा है इनका जो रेजिस्टेंस बनेगा ना तीनों का, लेट्स कॉल दैट R1। R1 बोला है क्वेश्चन के मुताबिक। अब वो बोलता है R1 जो यहां आंसर आएगा, और जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था R, उनकी रेशियो बताओ, उनकी रेशियो का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? रेज योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है। राइट हैंड बेटे, अगर क्लियर है क्वेश्चन का। कुछ बच्चे पता नहीं इतनी छोटी बात में भी सुस्ती करते हैं, मैं हैरान हूं कि यंग भी हैं कि ओल्ड हो गए। स्टेटमेंट नहीं क्लियर तो दोबारा बता दो। दोबारा से बता दो सर। हाँ दोबारा बता, नो प्रॉब्लम, मेरे को पता लग गया, लेफ्ट हैंड खड़ा आपका, तो शाबाश, बहुत अच्छी इंडिकेशन। फिर से सुनो, मेरे पास एक टोटल गिवन रेजिस्टेंस है आर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उस रेजिस्टेंस को तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो मैंने तीन इक्वल पार्ट लिए हैं, तो नेचुरली एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/3 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, R/3, दूसरा भी R/3 और तीसरा भी R/3 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को वो पैरेलल में लगाना चाहता है। ये मैंने लगा दिया, ये लगा दिया बेटे, यहां भी R/3 लगा दिया, यहां भी R/3 लगा दिया, यहां भी R/3 पैरेलल में लगा दिए। अब कहते हैं इनका जो भी आंसर आएगा ना टोटल रेजिस्टेंस, उसको आप R1 बोलो। अगर ये R1 है और ओरिजिनल R था, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करके बताओ। नाउ टेल मी, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? मैडम फर्स्ट फर्स्ट बेंच में फर्स्ट बच्चे को बाहर कर दो, क्योंकि ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहा कि क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। ओके डाउट। अब हम इसको देखते हैं कि करना कैसे। योर अटेंशन, योर अटेंशन। मान लो मैं स्टूडेंट बनता हूं, दोबारा से स्टूडेंट बन गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना कैसे। ठीक है, अगर याद रखना ये मेरा टिप, अगर लाइफ में ये समझ ना आए कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, तो उसके सोल्यूशन की शुरुआत वहीं से कर दो जो चीज आस्कड है। जो चीज आस्कड है वहीं से शुरुआत करो। ये ऐसा नियम है कि आप इसको अगर फॉलो कर गए तो एक दिन कहोगे यार काफी न्यूमेरिकल होने लग गए मेरे। सो देखो, मेरे को ये रेशियो चाहिए सोल्यूशन में। ओके, तो मैंने लेफ्ट साइड पर यही लिख दिया, मैंने लिख दिया R1/R। ये मैं यहीं से शुरुआत कर दिया। अब बच्चा बन के सोचता हूं कि R को तो चलो मैं R ही रख लूंगा, लेकिन रेशियो तब निकलेगी अगर R1 का आंसर इन टर्म्स ऑफ R आ जाए। इन टर्म्स ऑफ R आएगा तभी ऊपर नीचे कट के R से R कटेगा तो रेशियो बनेगी। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं R1 का आंसर क्या पुट करूं। तभी मेरे दिमाग में आया कि इन तीनों को पैरेलल लगाने से तो R1 बनता है, तो क्या टीचर ने मेरे को पैरेलल का कोई फॉर्मूला सिखाया? यस, मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आता है कि मेरे टीचर ने 1/R1 यानी पैरेलल में लगाने होंगे तीन, 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3, ऐसे बन गया। और क्योंकि एक ही चीज तीन बार लिखी हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 1/R/3। अब डिवाइड अपॉन डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो क्या बन गया? 3 × 3/R, तो कितना बन गया बेटे? 9/R, 9/R आ गया। देखो 1/R1 की वैल्यू है, लेकिन मेरे को तो R1 की पुट करनी है, तो मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो इधर रेसिप्रोकल लिया 1/R1 का और उधर भी लिया, तो वो बन गया R/9। अब मेरे दिमाग में आता है कि टीचर ने R1 को R के टर्म्स में निकालना सिखा दिया, लेट्स पुट इट बैक। जैसे मैंने इसको पुट करा, R/9 यहां लिखूंगा और नीचे से R चल ही रहा है बेटे, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बन गया 1/9, R/R कट हो गए, सो योर फाइनल आंसर इज 1/1। सभी बच्चे एब्जॉर्ब करेंगे
फिर मैं 1 मिनट बाद पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं। कुछ बच्चों का ज्यादा इंटेंशन इस बात पे होता है कि मैं लिख ले हूं ना, लिखने से ज्यादा इंटेंशन आपका 70% ध्यान समझने में होना चाहिए बेटे, लिखने में ओनली 30%, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई एंड थोड़ी होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप कोई भी कर लो। अब मेरा वही क्वेश्चन, एकदम से रेस्पॉन्स आना चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, हैव यू अंडरस्टूड? यस बेटे, राइट हैंड बेटे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। कुछ लेजी बच्चों को आपने एक्टिव किया, सो हम इसको भी रिवीजन के लिए स्टोर कर लेते हैं अगर वक्त बचा तो। शाबाश, सिक्स्थ क्वेश्चन में चलेंगे। सभी बच्चे सिक्स्थ क्वेश्चन पर्सनल लेवल पे पढ़ेंगे। शाबाश, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन एक थ्योरी का क्वेश्चन है बेटे, दिस क्वेश्चन इज ए थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड, और मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में सेट होना चाहिए। अब इसका मीनिंग बताता हूं क्वेश्चन में, कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप बताओ। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताओ, हीटिंग इफेक्ट किसका, करंट का, करंट को कौन से सिंबल से लिखते हैं, आई से। दूसरा बोल रहा है कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन क्लियर है बेटे, राइट हैंड छोटा सा, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, अब हम इसको सीखते हैं। शाबाश, योर अटेंशन, सभी बच्चे ध्यान से सुने। मैं अभी अभी बीच में आपके नामों की लिस्ट है मेरे पास, मैं पूछना शुरू करना। अब योर अटेंशन बेटे, करंट के हीटिंग इफेक्ट को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था जूल, कुछ लोग इसको जूल बोलते हैं। तो पहली बात आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज जाउल्स हीटिंग इफेक्ट, और इसको आप जाउल्स लॉ भी बोल सकते हो। दूसरा, ये कहता क्या है जाउल्स लॉ, ध्यान से सुनो, ये हमें बताता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि किसी कंडक्टर में ध्यान से सुनना, कितना हीट पैदा होगा कब, जब उस कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस भी पता हो, उस कंडक्टर में गुजरने वाला करंट भी पता हो, और ये करंट कितने टाइम के लिए गुजरा ये भी पता। फिर से सुनो, किसी कंडक्टर में कितना हीट पैदा होगा कब, जब ये भी पता हो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट भी पता हो, और ये करंट कितने सेकेंड्स के लिए फ्लो कर रहा है ये भी पता। तो ध्यान से सुनना बेटे, थ्योरी कहती है कि हीट जो पैदा होगी उसका आंसर होगा करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनटू टाइम। ये जो टीचर ने बॉक्स में चीज लिखी, सभी समझदार बच्चे ने याद भी कर ली होगी, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जाउल्स लॉ। हमेशा याद रखना, कभी इस क्वेश्चन को यूज करना पड़ जाए किसी न्यूमेरिकल के लिए, तो हीट का आंसर जूल यूनिट में आएगा, कैपिटल जे से लिखते हैं जूल। एक बच्चा कहता है सर आपने जूल को जे कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है ये, तो नो, जब भी
जूल को साइंटिस्ट के नाम के रूप में यूज करना है, तब तो जूल का जे कैपिटल होना चाहिए। लेकिन जब यूनिट को यूज करके जूल नाम देना है, तो जे को संभाल रखना जब यूनिट के रूप में जूल यूज कर। ओके, और करंट का क्या यूनिट होता है बेटे, सभी बच्चों को पता है, एम्पियर पुट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, सभी बच्चों को पता है, ओहम पुट करना पड़ेगा। और टाइम के बारे में प्रिकॉशियस रहना है, वो सेकंड्स में पुट होना चाहिए, गलती से भी मिनट या आर में ना पुट कर देना। तो इस फार्मूले से हमें क्या पता लगता है, इस फार्मूले से हमें यह पता लगता है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही हीट ज्यादा होगा। दूसरी बात, जितने टाइम के लिए हीट टाइम के लिए करंट ज्यादा निकलेगा, ज्यादा टाइम के लिए निकलेगा, तो हीट भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, अब एक चीज और सुनो, दूसरे पार्ट में कहता है ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पार्ट को सीखते हैं, सेकंड पार्ट को मैं कलर अलग अलग रखता हूं। शाबाश, योर अटेंशन, सेकंड पार्ट। मेरे पास अगर ये कंडक्टर हो ना, कंडक्टर, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, उसका लेंथ मेरे को पता हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे को पता हो, तब मैं उसके रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख सकता हूं। ऐसे देखो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। यानी कंडक्टर की लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। कंडक्टर कितना मोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। और ये क्या लिख दिया टीचर ने, ऐसे करके सिंपल, इसको बोलते हैं, ये किस ग्रीक लेटर में, ग्रीक लैंग्वेज से उठाया हुआ लेटर है, इसको रो बोलते हैं लेटर वाइज, लेकिन साइंस में इसका क्या मीनिंग है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसका एक नाम और भी है बेटे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी खूबी क्या है इस वाले की, रेजिस्टिविटी की, ये हमें इस दो बातों पे डिपेंड करता है सिर्फ। एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ, क्या वो अल्मीनियम, नेचर ऑफ मटेरियल पर, एल्युमिनियम का है या कॉपर का है या आयरन का है, किसका। दूसरा, उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है बेटे। दो पैरामीटर बताए टीचर ने, समझदार बच्चे ने कैच कर लिए होंगे, एक तो सर नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, राइट। तो बच्चा कहता है सर और किसी चीज पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंडक्टर की डायमेंशंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो कंडक्टर जो है हमारा प्लेट के रूप में बनाया कि वायर के रूप में बनाया कि बॉक्स के रूप में बनाया, डायमेंशंस के ऊपर कभी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पे कभी डिपेंड नहीं करता ये। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस की अगर डिपेंडेंस पूछे क्वेश्चन के मुताबिक, तो आप क्या क्या बोलोगे कि ये चार पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला कौन सा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा कौन सा, नेचर ऑफ द मटेरियल, चौथा कौन सा, टेम्परेचर। इन चार पैरामीटर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, करेक्ट। दो के ऊपर डायरेक्टली करता है, एक के ऊपर रेजिस्टिविटी के थ्रू करता है। एक बात और सुनो, ये भी याद रखना, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, कुछ बच्चे सुनते नहीं है ध्यान से, स्टार पॉइंट। अगर कभी किसी पेपर में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पूछ ले आपसे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r होता है, उसके लिए एक नई टर्म साइंटिस्टों ने बनाई हुई है, कैपिटल जी से लिखते हैं, उसका नाम होता है कंडक्टेंस। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, कंडक्टेंस। और एक बात और सुन लो, अगर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लो 1/ρ का, तो उसको एक और लेटर से लिखते हैं, इसका नाम होता है सिग्मा। सिग्मा का क्या मीनिंग होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। यानी टीचर ने क्वेश्चन के बिना आपको दो एडिशनल चीजें बताई, कौन सी,
कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कौन सा बताया उसने टीचर ने? एडिशनल बात, टीचर ने एडिशनल बात बताई, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये मैं अभी आपसे 1 मिनट देता हूं, आपको चेक करना है खुद को कि आपको समझ आ गया कि नहीं। बिल्कुल शुरू से देखना है, यहां से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अंडरस्टूड और नॉट। नो म्यूचुअल टॉक प्लीज, प्लीज चेक योर सेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। हाँ जी बेटे, अब टीचर ने आपसे क्वेश्चन करना है, एकदम से रिप्लाई आना चाहिए बिना शर्म के, लेफ्ट या राइट। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड? शाबाश, राइट हैंड है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। परमात्मा का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि समझ आ रहे हैं। और इसी के साथ हम, सर हाँ जी बेटे, सर हाँ एक जी, बार वो दोबारा से समझाना हाँ, फिर लेफ्ट हैंड खड़ा कर लेना था, कोई सर, इतना करा था। किया अच्छा, फिर चलो मैं दोनों अलग अलग पूछ लूंगा। लेफ्ट हैंड एक बच्चे का खड़ा है, देखो ये बच्चा जो मेरे से ऐसे पूछता है, ये अपनापन शो कर रहा है, उसको पता है कि सर बताने के लिए तैयार है, बस मैं पूछ, माइक पे आके पूछ। इसको बोलते हैं अपनापन। बच्चा टीचर को अपनापन देगा तो टीचर भी अपनापन देगा। सुनो ध्यान से, शाबाश, फिर से सुनो। अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर हो और ये करंट टी टाइम के लिए गुजरे, तो जाउल साइंटिस्ट ने बताया कि करंट के गुजरने से ये कंडक्टर गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर इसमें से कितने जाउल हीट पैदा होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला दिया। एच इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ये जो फार्मूला है इसको बोलते हैं जाउल्स हीटिंग इफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म, जाउल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जाउल्स लॉ। और एक सुनो, क्योंकि टाइम भी न्यूमरेटर में है और हीट भी न्यूमरेटर है, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट निकलेगा हीट भी ज्यादा होगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हीट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा पैरामीटर करंट हो सकता है। और एक बात, अब टीचर ने दूसरे पार्ट पे चलता है, तो कंडक्टर की अगर हमें लेंथ पता हो, कितना लंबा है वायर और कितनी मोटी वायर है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस का ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपने याद रखना है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जितना एल लंबा होगा उतना कंडक्टर में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ज्यादा टक्करें होंगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोर दी लेंथ मोर दी रेजिस्टेंस। दूसरी बात सुनो, अब इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में है देखो, और रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में। इसका मतलब है जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, खुली जगह मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, कम टक्करें होंगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा फिर। और दो पैरामीटर हो गए, तीसरा कौन से पैरामीटर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रो पे। रो एक ग्रीक लेटर है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और इसका एक नाम और भी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट पूछ लेता है किसी किसी पेपर में, याद रखना है इसकी यूनिट रेजिस्टिविटी की ओहम मीटर, ओहम मीटर। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी? खुद या तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है, कॉपर है कि एल्यूमिनियम है, दोनों मटेरियल का अलग अलग होगा। दूसरा, उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना। ये वाला रेजिस्टिविटी कभी भी कंडक्टर के डाइमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो अल्टीमेटली हमारा, हमने तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस बतानी है क्वेश्चन के मुताबिक। तो रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पे डिपेंडेंट है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट है, एक रेजिस्टेंस उस पे भी डिपेंडेंट होएगा, रेजिस्टिविटी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है? दो चीजों पे। तो अल्टीमेटली हमारे पेपर में आंसर क्या बनेगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर,
नेचर ऑफ द टेम्परेचर। मटेरियल और टेम्परेचर। अब वो बच्चा बताए मेरे को माइक पे आके कॉन्फिडेंटली, जिसने क्वेश्चन किया था, कि समझ आया या नहीं। सर आ गया। वेरी गुड। तो हम इस बच्चे का डाउट क्लियर करने के बाद इसको मेमोरी में स्टोर करके आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करेंगे एट योर ओन। शाबाश। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में दो पार्ट है। ए पार्ट पे चलते हैं पहले। ध्यान से सुनो, ए पार्ट में क्वेश्चन समझा रहा है टीचर। योर क्वेश्चन, आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का, 4 रेजिस्टेंस है। योर अटेंशन, इन चारों को किस तरह से कनेक्ट करें, सीरीज में या पैरेलल में, या किस तरह से, या आधे सीरीज में आधे पैरेलल में, कैसे करें कि ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम हो। ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटे, मिनिमम मिनिमम कैसे लगाना चाहिए, हाउ टू कनेक्ट। कोई बता सकता है बच्चा? पहला शाबाश। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हमें काफी सारे रेजिस्टेंस चाहिए हो, अगर तो वो मैक्सिमम पूछ ले तब सीरीज में जोड़ दो। तो सीरीज में अगर मिनिमम पूछा है तो वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। तो ये पॉइंट आपको पता था, तो आप कहोगे इसको आंसर में कि इन सभी को आप मिनिमम चाहते हो ना पेपर में, तो आप कनेक्ट देम इन पैरेलल, कनेक्ट ऑल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखो, एक बच्चा यहां तक आंसर लिख के आएगा, और अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, टीचर उसको 1.5 देगा। दूसरा बच्चा 2 में से 2 मार्क्स लेगा, इससे बेटर अटेम्प्ट करेगा। कैसे? ऐसे, कनेक्ट ऑल रजिस्टर्स इन पैरेलल, ये वो लैंग्वेज लिखेगा पूरी, टू हैव मिनिमम मिनिमम सर्किट रेजिस्टेंस, मिनिमम सर्किट रेजिस्टेंस। और तीसरा बच्चा जो क्लास का टॉपर होएगा, वो क्या करेगा, यहां पर जगह छोड़ देगा, और जब पेपर बाद में रिवाइज करेगा, अगर वक्त बचेगा, वो इन चारों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करके भी दिखा देगा। और जो क्लास का बिल्कुल ही सारी क्लासों का ओवरऑल टॉपर बच्चा होएगा, वो साथ में यहाँ वैल्यू भी लिखेगा, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 12 ओम। और जो अल्टीमेटली टीचर के बराबर पेपर अटेम्प्ट करेगा, वो 12 ओम का रेजिस्टेंस थोड़ा बड़े साइज में दिखाएगा, 9 का थोड़ा छोटा, 3 वाला थोड़ा सा और छोटा, सबसे छोटा। ऐसे पेपर अटेम्प्ट करने से अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्क्स आते हैं। प्रेजेंटेशन इज ए वेरी गुड स्किल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपने खुद ही जवाब दे दिया। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में बोलता है कि आपके पास एक फ्यूज वायर है ए, और एक फ्यूज वायर है बी, ठीक है। इसका करंट रेटिंग है ऊपर वाली का 2 एम्पियर, और नीचे वाली का है 5 एम्पियर। ये क्या चीज होती है, करंट रेटिंग। और कह रहा है मेरे पास एक हीटर है बेटे, और वो जो हीटर है ना, जो उसकी उसने कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि ये 1000 वाट का है,
और 220 वोल्ट पर चलता है, 1000 वाट का है, यानी पावर कितनी है 1000। कैसे पता लगा ये पावर है? क्योंकि वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। और कितनी वोल्टेज पे चलता है? 220 वोल्ट। कहता है इस हीटर के लिए मैंने फ्यूज वायर लगानी है, ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाऊं, दोनों में से कौन सी लगाऊं, और ये बताना है आपने, और साथ में बताना है वाई। हाँ क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है बच्चों को? रेज योर राइट हैंड। शाबाश शाबाश। अब हम इसको देखते हैं। पहली बात सॉल्यूशन देखो, शाबाश, ध्यान से सभी बच्चे। सबसे पहले मेरे बच्चों को करंट रेटिंग का मतलब बताना चाहिए। व्हाट डज इट मीन करंट रेटिंग? योर अटेंशन। मान लो मेरे हाथ में एक वायर है, अगर इस वायर का करंट रेटिंग, ध्यान से सुना, 10 एम्पियर दे रखा है, दे रखा मतलब मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री में इसको बनाते वक्त इसका करंट रेटिंग ऊपर प्रिंट कर दिया 10 एम्पियर। क्या मतलब? इसका मीनिंग यह है कि अगर इस वायर में से आपने 10 एम्पियर से ज्यादा करंट निकालने की कोशिश की तो ये वायर जल जाएगी, ये वायर जल जाएगी। इसकी मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी 10 एम्पियर है, इसको बोलते हैं करंट रेटिंग। करंट रेटिंग मीन्स दैट वैल्यू ऑफ करंट विच द गिवन वायर कैन हैंडल विदाउट गेटिंग बर्नट, बिना जले जितने मैक्सिमम करंट को हैंडल कर सके। उससे कम करंट होएगा तो पास ही कर देगी, 10 एम्पियर करंट होएगा तो भी पास कर देगी, लेकिन 10 एम्पियर से जरा सा ऊपर गया तो ये वायर के जलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये इसका मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन से फ्यूज वायर को यूज करना चाहिए। फ्यूज वायर जानते हो कौन सा होता है बेटे? फ्यूज वायर वो होता है जिसकी अपनी वायर का करंट हैंडलिंग कितनी होनी चाहिए, जितना लोड डिमांड कर रहा है ना उसके पास होनी चाहिए। लोड, लोड में कौन सा है? जो बिजली की खपत करे। कौन है हमारे पास यहां पर लोड? हीटर। अब हमें कैसे पता लगे कि ये हीटर कितना करंट खींचेगा? फिर देखते हैं, जब हमें ये चेक करना हो कितना करंट खींचेगा, देखो कौन कौन से पैरामीटर लिख लो। P एक पैरामीटर, V एक पैरामीटर, और जो मेरे को चाहिए वो करंट है। फिर मैं स्टूडेंट बन के सोचूंगा कि क्या टीचर ने लेक्चर कराते वक्त ऐसा कोई फार्मूला कराया था क्लास में, PVI, कोई ऐसा फार्मूला कराया था मेरे टीचर ने? यस, तभी बच्चे के मन में आता है यस, मेरे टीचर ने पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट का फार्मूला कराया था। तो जैसे वो पावर को 1000 वाट पुट करेगा और ऑपरेटिंग वोल्टेज को करेगा 220 वोल्ट, तो करंट उसके पास निकलेगा। कितना निकलेगा? करंट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 220। और अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 50/11, तो करंट कितना बन गया बेटे? देखो 4 पॉइंट कितना हो गया, 5 के आसपास हो गया एम्पियर। ठीक है, 4.5 एम्पियर करंट है। अब ध्यान से सुनना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चा कहता है सर इतना करंट हीटर को चलने के लिए चाहिए, फिर भी मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये फ्यूज के अंदर वायर लगाऊं कि ये वायर लगाऊं? अब ध्यान से सुना, बिजली के दो गुण होते हैं, वोल्टेज और करंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। जो करंट होता है वो सर्किट में कितना फ्लो करेगा ये डिसाइड करता है लोड। लोड डिसाइड करता है कि कितना मैं करंट खींचूंगा अपने ऑपरेशन के लिए। और दूसरा करेक्टर होता है वोल्टेज, वो कौन डिसाइड करता है? बैटरी डिसाइड करती है, बैटरी सप्लाई वोल्टेज। करेक्ट। जैसे बैंक से हमने लोन लेना है तो लोन देना है कि नहीं देना कौन डिसाइड करेगा?
बैंक, लेकिन नहीं लोन कितना लेना है ये हम डिमांड करेंगे। हम मान लो मेरे को 30 लाख का लोन चाहिए, है ना, मैं कंज्यूमर हूं, मैं लोड हूं, मैं उसको बोला 30 लाख का, बैंक मेरे को कह रहा है नहीं 40 लाख का ले लो, 40 लाख का ले लो, मैं नहीं लेना, मैं लेना है ना, मैं लोड हूं। तो हीटर कहता है मेरे को चलने के लिए 4.5 एम्पियर करंट चाहिए। ओके, अब मान लो मैंने ये वायर लगा दी होती फ्यूज में 2 एम्पियर की, जैसे 2 एम्पियर की वायर लगा के हीटर को ऑन करा, हीटर कितना डिमांड कर रहा है, 4.5। वायर फ्यूज वायर 2 एम्पियर के बाद जल जाएगी, जैसे 2 एम्पियर से ज्यादा करंट होएगा ये उड़ जाएगा फ्यूज, फिर से लगाओ फिर से उड़ जाएगा, फिर से वायर लगाओ फिर से उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हीटर की जितनी डिमांड है उतनी डिमांड ये वाली वायर पूरी ही नहीं कर पाएगी। ओके, हाँ 5 एम्पियर जो है ना 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 5 एम्पियर की वायर लगा देंगे तो वो फ्यूज वायर करंट को हैंडल कर लेगी, कौन से करंट को, जितना हीटर चाहता है। ठीक है, तो ये वायर प्रेफर करनी चाहिए। एक चीज और यहां पर, अगर योर अटेंशन, अगर यहां पर एक और वायर होती ना 8 एम्पियर की, सपोज करो क्वेश्चन, तो उस एम्पियर उस वायर को बच्चे कहते सर फिर तो वो भी लगा सकते हैं, नो नो नहीं लगा सर, वो सकते, नहीं लगा वो नहीं सकते। लगा सकते हैं क्योंकि ये 8 एम्पियर 4.5 से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा, और इससे क्या होगा। एप्लीकेशन जिसका लगानी है वही खराब हो जाएगी। यस, ये बड़ी गुड़िया का कितना अच्छी बात है, वो कह रही है सर फ्यूज वायर खुद तो जलेगा नहीं, वो तो 8 एम्पियर की वायर हैंडल कर लेगा 8 एम्पियर का करंट, लेकिन आगे जो आपका हीटर है उसके उसका लाइफ कम हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। करेक्ट, तो फ्यूज वायर, फ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, जितना लोड करंट ड्रा करना चाहता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा देने की परमिशन देगी फ्यूज वायर, उस थोड़ा बहुत ज्यादा, वरना वो फ्यूज वायर गलत है। तो इसका मतलब एज द हीटर इज डिमांडिंग 4.5 एम्पियर, इट मीन 5 एम्पियर फ्यूज वायर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द करंट। कोई बच्चे कहते हैं सर 4.8 एम्पियर भी वायर फ्यूज वायर लगा सकते, लगा सकते, 4.6 भी लगा सकते, वो भी लगा सकते, 4.5 नॉट रिकमेंडेड, 4.5 रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जैसी वो 4.5 की वायर लगाओगे तो वो जितना, क्योंकि जैसे ही थोड़ा ज्यादा करंट ज्यादा होगा तो वो फ्यूज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा वायर हम लगाते हैं कि अगर करंट ज्यादा आ जाए तो वो हैंडल कर पाए। थोड़ा सा ज्यादा हैंडल करना चाहिए बस फ्यूज वायर को। अगर काफी ज्यादा कर दिया आपने, 7 एम्पियर लगा दिया, 8 एम्पियर लगा दिया, वो गलत। तो मैं अब साइड पे हटता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपको समझ आ गया कि नहीं, तब तक आप एब्जॉर्ब करो, देखो आ गया या नहीं। सेवंथ के ए पार्ट में अगर उसने पूछ लिया होता ना मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताओ, तो हमने इन चारों को सीरीज में लगा दिया। इसमें लगाना आपकी क्लास में एक बच्चा है इशप्रीत सिंह, 20th रोल नंबर है शायद, इशप्रीत सिंह है बेटे, इशप्रीत बेटे माइक पे आप कॉन्फिडेंटली बोलो यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। यस। यस, बैठो, शाबाश, सोच समझ के बोलना किसी ने, क्योंकि मैं कुछ पूछ भी सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से एक और गुड़िया है जिया शर्मा, जिया शर्मा प्लीज कम ऑन द माइक, जिया शर्मा बेटे देखिए मैं आपका लिसनिंग चेक करना चाहता हूं, आप मेरे को बताओगे, ध्यान, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। टीचर ने एक बार एक मेमोरी टूल दिया था SIS, उसका क्या मीनिंग था, अगर ना बता पाए ना तो आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते, सीधी बात, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया, ना 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 बताना नहीं है किसी ने, SIS। सीरीज हाँ
माइक उठा लो फेस के पास ना? सीरीज? नहीं, पूछना, बताना नहीं है किसी ने भी, हमने ये देखना है कि ये बच्चा ध्यान से लेक्चर सुनता है कि नहीं। सीरीज इन सीरीज सीरीज आई स्टैंड फॉर करंट करंट और लास्ट वाला एस। सीरीज नो। सो बच्चे, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 लेक्चर वेस्ट कर दिए। या तो आप आ नहीं रहे स्कूल, या फिर आपने वेस्ट कर, अपने पेरेंट्स को बोल देना कि आई हैव वेस्ट। सीरीज करंट सेम सेम किसे सुन के बताया या खुद से याद आ गया? सच सच बोलो, सच सच बताओ खुद से, फिर आपका ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी करा करो। शाबाश, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। बैठो बैठो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। अब सारी क्लास यूनैनिमसली बोलेगी, मैंने दूसरा मेमोरी टूल क्या बताया था? शाबाश। जमीन पे बैठे हुए बच्चे अलग से बोलेंगे, व्हाट वाज द सेकंड मेमोरी टूल? पीवीएस, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स सेम। शाबाश। अब हम 8th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सभी बच्चे 8th क्वेश्चन को स्टडी करेंगे एक बार। एट योर ओन। योर अटेंशन, 8th क्वेश्चन का टीचर आपको मीनिंग समझाने लगे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 8th क्वेश्चन का मीनिंग समझो बेटे। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कैटल है। क्या है मेरे पास? एक इलेक्ट्रिक कैटल है और यहां पर इसका स्विच लगा हुआ। अब ध्यान से सुनना, जो भी मैं इसके ऊपर वायर लगाता हूं ना, इलेक्ट्रिक कैटल के ऊपर, उस वायर में से 3 तारें निकलती हैं। एक होती है रेड वायर जो करंट लेकर आती है, एक होती है ब्लू वायर या ब्लैक जो करंट लेके जाएगी, और एक होती है बेटे ग्रीन वायर। ग्रीन वायर जो होती है इसको अर्थिंग वायर बोलते हैं, अर्थवाय और इसको ग्राउंडिंग वायर भी बोलते हैं। ये ग्रीन वायर इस इलेक्ट्रिक मेटेलिक कैटल की बॉडी के साथ हमने स्क्रू करी होती। इलेक्ट्रिक कैटल जो मेटल की है उसकी बॉडी के साथ स्क्रू करी होती। अगर मान लो उसकी बॉडी मेटल की नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके हैंडल के ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है लोहे का, उस पे हमने इसको टाइट किया होता है। क्यों करा होता है? क्योंकि ग्राउंडिंग वायर लगने से, इंसान की करंट लगने से मौत कभी नहीं होती। जब भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक होएगा तो जर्क तो लगेगा, बट इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से डेथ नहीं होगी। इलेक्ट्रिक्यूशन स्टैंड्स फॉर डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट गोइंग थ्रू ह्यूमन बॉडी। अर्थिंग वायर का ये गुण होता है कि इंसान को अगर करंट लगेगा, ऐसे झटका लगेगा, एकदम से परे फेंक देगा बिजली, ज्यादा से ज्यादा करंट। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो इंसान ने हाथ लगाया लाइव वायर को या न्यूट्रल वायर को, वो चिपका रह जाएगा और लंबे टाइम तक किसी ने नहीं देखा तो डेथ भी हो जाएगी। डेथ कैसे होती है इलेक्ट्रिक करंट लगने से? सुनो, जो करंट बिजली की वायर से आता है वो कई एम्पियर का होता है, करेक्ट? नंबर 1। नंबर 2, हमारा ब्रेन हमारे शरीर को जो मैसेज बोलता है, भेजता है ना, वो मिली वोल्ट में होते हैं। मिली वोल्ट 1000 गुना से भी कम मिली एम्पियर के होते हैं।
और ये वाला करंट एम्पियर। तो जो करंट इतना जाता है ना यहाँ बॉडी से जाके जमीन में चलता है, तो ब्रेन के जो मिली एम्पियर वाले मैसेज होते हैं शरीर को कि अपना हाथ पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले, वो इंसान को समझ ही नहीं आते, क्योंकि एम्पियर वाले मैसेजेस ब्रेन के मिली एम्पियर वाले मैसेजेस को नलीफाई कर देते हैं। तो इंसान ऐसे खड़ा रहता है, दूसरा बंदा दूर से देखता है, यार ये अपना हाथ पीछे क्यों नहीं खींच रहा, करंट लगा हुआ, क्योंकि ब्रेन का मैसेज ही नहीं पहुंच नहीं पाता लिम्ब्स को कि अपना हाथ पीछे कर ले, और उसकी डेथ हो जाती है जब काफी पोटेंशियल ड्रॉप उसकी बॉडी पे आ जाता है। तो आंसर है ग्राउंडिंग और अर्थिंग वायर ऑफ ग्रीन कलर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकॉज इट सेव्स द पर्सन फ्रॉम डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। समझ आया? और दूसरा पार्ट इसने बोला है कि जो 3 पिन प्लग होते हैं उससे हीटिंग इफेक्ट रिड्यूस होता है। गलत क्वेश्चन में, हीटिंग इफेक्ट का 3 पिन प्लग से कोई लेना देना नहीं। 3 पिन प्लग का मतलब होता है अर्थिंग वायर एडिशनल देना। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इस तरह से एक फिगर बनाऊं, ध्यान से सुनो, इस तरह से एक फिगर बनाऊं, तो आप सभी को पता है कि एक पिन यहां लगा होता है, एक पिन यहां लगा होता है, एक मोटे वाला ऊपर, जो मोटे वाला होता है यहां पर ग्रीन वायर लगती है अर्थिंग, जो राइट हैंड साइड वाला होता है वहां पर लाइव वायर लगती है रेड कलर की, जो लेफ्ट वाला होता है वहां पर अपनी न्यूट्रल वायर लगती है ब्लैक या ब्लू कलर। ओके तो इस तरह से 3 पिन प्लग का कोई मतलब नहीं है हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना या नहीं करना, इसका एक ही मतलब है कि एडिशनल अर्थिंग वायर प्रोवाइड करना ताकि इंसान की डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से मुमकिन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरे बच्चों को, अच्छा डोमेस्टिक फ्यूज, फ्यूज का क्या मतलब होता है, फ्यूज के बारे में आपको बता ही दिया, फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द डोमेस्टिक सर्कल। हमारी पूरे घर की वायरिंग ना जल जाए पर सिर्फ फ्यूज की वायर छोटी सी जल जाए, ये हम सह लेंगे, क्योंकि फ्यूज कितने का आएगा, यही कोई 25 रुपए का। फ्यूज की जगह आजकल एमसीबी लगते हैं, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, बोर्ड शॉर्ट में कुछ लोग उसको ट्रिप स्विच भी बोल देते हैं, ट्रिप स्विच। पुराने टाइम में फ्यूज वायर लगते थे, आजकल वही काम कौन कर देता है, ट्रिप स्विच कर देता है। ट्रिप स्विच अपने आप को ऑन से ऑफ कर देगा एकदम से, पर घर के सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किटिंग से बर्नट नहीं होने देगा, जलने नहीं देगा उनको। करेक्ट, यही काम फ्यूज का है। फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब सभी बच्चे, सॉरी 8th क्वेश्चन, सभी बच्चे अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, हैव यू अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेरी गुड। डाउन, वो बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा जिसको नहीं समझ आया। एक बात और याद रखना, जब भी घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आए ना वो बंदा, आपने उसको जरूर बोलना है या पापा को बोलना है, पापा सर ने बोला था कि अपने घर की अर्थिंग भी चेक करवा लो, अर्थिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि घर के जो लेडीज मेंबर्स होते हैं उनको बहुत कम नॉलेज होती है बिजली की, अगर कहीं पीछे से शॉक लग गया मम्मा को या किसी और तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, जब भी कभी इलेक्ट्रिकल पर्सन घर में रिपेयर करने आए तो पापा को रिमाइंडर देना है मेरा नाम लेकर कि सर कह रहे थे अपने घर की अर्थिंग चेक करा लो, 50-60 रुपए में ये इलेक्ट्रिशियन करके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सभी बच्चे रीड करेंगे, हरी अप।
शाबाश। क्वेश्चन 9 में मैं अपने बच्चों को मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से सीखो। सुनो बेटे, यहां पर मैंने 230 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, सप्लाई मतलब वोल्टेज दे दिया, और रास्ते में मैंने दो हीटर लगा दी, इसको बोलते हैं ऑन ऑफ स्विच। ये मैंने स्विच लगा दिया और किसके ऊपर, एक्स हीटर के ऊपर, करेक्ट। कुछ बच्चे क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे, वो उम्मीद लगाते हैं कि हमें आंसर समझ आ जाएगा। वेरी सरप्राइजिंग, जब आप क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं तो आंसर क्या समझ आएगा। दोबारा से एक्सप्लेन करना है ये वाला। ये तो क्वेश्चन है बेटे, मैं तो कुछ करा ही नहीं अभी एक्सप्लेन। ये तो क्वेश्चन, आप यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक। अभी तो मैंने आंसर का कुछ भी नहीं बोला। व्हाट आर यू सेइंग? क्वेश्चन आपका जो रिपीट का है, कुछ बेस तो होना चाहिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओके ओके, मैं दोबारा बोल देता हूं। सुनो, योर टीचर हैज ड्रॉन द फिगर, टीचर हैज ड्रॉन द फिगर सच दैट देयर आर टू हीटर्स एक्स एंड वाई, और ये क्या है, स्विच होते हैं, स्विच ऑन ऑफ। एक्सक्यूज मी सर, यस सर। सर प्लीज गिव मी अ 5 मिनट्स ओनली। ओके सर। दो मिनट का ब्रेक मांगा, 2-3 मिनट का पानी ले जाओ तुम, और चाय का वादा किया था तुमने, बोलेगा हाँ जी हाँ सर, ये पानी पानी पियो गुट्टा के। सर।